हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस प्रमेश। मेरा नाम लोकेंद्र जांगिड़ है और मैं पिछले 2 सालों से सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से पढ़ा रहा हूँ और उनको गाइड कर रहा हूँ। ये वीडियो किस लिए है? हम प्लस प्रमेश GS पेपर 2 प्रीलिम्स के लिए, जो कि CSET का पेपर कहलाता है, उसके लिए एक पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। देखो, स्टूडेंट्स को यूजुअली प्रॉब्लम ये रहती है कि इस पेपर के लिए हम कितना टाइम इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि ये पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है और इसका बाद में यूज भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना हम टाइम इन्वेस्ट करें, किस तरह से इसकी तैयारी करें। हमने ऐसे डिजाइन किया है कि 45 टू 48 आवर्स में हम ये पूरा पेपर कवर कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं या फिर कॉलेज के चलते बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए हमने स्पेशली ये कोर्स डिजाइन किया है कि आप 15-20 दिनों भी अगर 2-3 घंटे डेली पढ़ाई करें इस सब्जेक्ट की, तो इस पूरे पेपर को कवर अप कर सकते हैं। पेपर से रिलेटेड जानकारी, कोर्स को कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, इसके लिए जो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर मैसेज करिए और इस पर हमसे बात करिए, आपकी हेल्प की जाएगी। देखिए, कोई भी कोर्स जो हम बनाए वो आपके लिए फ्रूटफुल होना चाहिए और वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फ्रूटफुल का मतलब उस कोर्स को पढ़ने से आपका पर्पस सर्व होना चाहिए। मतलब हम जब CSET का आपको कोर्स दें तो उससे आपका CSET का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। जो 33% मार्क्स उसमें लाने होते हैं वो इजीली आए आपके। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी क्लास मजेदार और फ्रूटफुल होंगी। तो बस इन सभी बातों का इस कोर्स के अंदर ध्यान में रखा गया है। तो बस इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करें और इस कोर्स का फायदा उठाएं और अपनी सफलता प्राप्त करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर लेक्चर 1, जिसके अंदर हम आज बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वगैरह पढ़ेंगे। जैसा कि हमें शेड्यूल दे दिया गया है, उसी शेड्यूल के अनुसार हमारे सारे लेक्चर्स चलेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा कुछ बोले बात किए बिना। लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हमें एक चीज़ को याद रखना चाहिए कि हमें अगर पढ़ाई करनी है ना और अल्टीमेटली सक्सेसफुल होना है, और इवन इस पोर्शन के अंदर CSET के अंदर, तो इसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हमें आराम आराम से पढ़ना होगा, शांति से पढ़ेंगे तभी तो ओवरऑल अपना फ़ायदा मिलेगा, तभी हम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएंगे। इसीलिए कबीरदास जी ने बोला था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभी एफर्ट धीरे धीरे डालेंगे, उसका आउटकम बाद में आएगा। कन्फ्यूशियस ने भी बोला था, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो, एज लो एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप, सो We do not have to stop, we have to keep going, है ना? चाहे कछुआ चाल से चलें, तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आज ये छोटा सा लेक्चर है और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसी सीरीज में अपने फिर चलते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स के बारे में पढ़ना है ना अपन, तो देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, हम सबको पता है। 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स हम यूज करते हैं और उनका सिस्टम, वो होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, 0 से 9 तक हमारी डिजिट्स होती हैं। इन डिजिट्स को यूज करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 19। ठीक, तो कौन सी दो डिजिट का यूज किया गया? 1 और 9। इन दोनों डिजिट का यूज करके 19 एक नंबर लिख लिया अपन ने, 97। ठीक, तो दो डिजिट यूज की हमने, 9 और 7 यूज करके एक नंबर बना लिया, तो एक सिस्टम बन गया ना, नंबर सिस्टम। इसकी डेफिनेशन देखो, इन डेफिनेशंस का ज्यादा मतलब तो नहीं है, लेकिन कोई भी चीज पहले अपन पढ़ते हैं तो फॉर्मली हमें पता होना चाहिए। तो व्हाट इज अ नंबर सिस्टम? अ नंबर सिस्टम इज अ राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स, that is mathematical notation for representing numbers of a given set using digits or other symbols in a consistent manner. It includes natural numbers, whole numbers, real numbers, rational numbers, irrational number. बिल्कुल सिंपल सी अपनी definitions है। अब क्या करेंगे अपन? ये natural numbers, whole number, real number, rational number, irrational number, even number, odd number, prime number, ये क्या होते हैं इनको समझ लेंगे, है ना? देखो बेसिक बेसिक करते हुए चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना? आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? हम सबको पता है नेचुरल नंबर, जो नेचुरली काउंट कर ले, जैसे 1 से लेके 1, 2, 3, 4 चलते गए इन्फिनिटी तक, इन नंबर्स को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। कैपिटल एन से इसको डिनोट कर लिया, बस ये डेफिनेशन है नेचुरल नंबर की, ये डेफिनेशन है। नेचुरली तो नंबर्स यही होते हैं ना। अच्छा, नेचुरल नंबर्स के सेट में हम 0 और ऐड कर दें तो वो बन जाएगा होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर थे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते गए,
लेकिन जीरो से जब नंबर स्टार्ट हो जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गए अपने होल नंबर, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, है ना। अभी केवल हम यही बात कर रहे हैं, नेचुरल और होल। अच्छी बात। अब नेचुरल और होल के बाद में इंटीजर जब आ जाते हैं ना, जिसको हम जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें नेगेटिव भी आ गए तो वो हो गए हमारे इंटीजर्स। जैसे -3, -2 लिख रखा है ना, -1, 0, 1, 2, 3, 4 मीन्स नेचुरल प्लस जीरो प्लस नेगेटिव नेचुरल, तो ये क्या बन गया, इंटीजर। ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4 सारे, है ना, ऐसे करते चलते गए इनफाइनाइट तक, इसमें जीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर बन गया। प्लस नेगेटिव नेचुरल -1, -2, नेगेटिव नेचुरल वैसे कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है लेकिन वैसे ही मैंने बोल दिया, तो वो हो गए हमारे इंटीजर। इन तीनों डेफिनेशंस को हमेशा अपने दिमाग में रखना, इजी डेफिनेशन है, इसमें कोई ज्यादा झोलझाल भी नहीं है, दिमाग में बनी रहेगी, हमें पता रहेगा, क्यों क्वेश्चन में लिखा रहेगा होल नंबर, तो इतना ही लिखा रहेगा केवल होल नंबर, तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, फिर 1, 2, 3, 4 बाकी आगे के सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे आगे। इवन नंबर किसको बोलते हैं, देखो सिंपल डेफिनेशन बताता हूं मैं, वो नंबर्स जो दो से डिवाइड पूरे पूरे हो जाए ना, उनको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 6 है, 2 से इजीली डिवाइड हो गया 3, तो 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं ना जिन भी नंबर्स को, वो इंटीजर हो गए, जिसमें सॉरी इवन नंबर हो गए जिसमें n हो गया अपना इंटीजर। जैसे मैंने बोला -6, तो -6 को भी 2 से डिवाइड किया तो -3 आया ना, इसको 2 × -3 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और -3 इंटीजर भी है तो वो हो गया इवन नंबर। वैसे ही ऑड नंबर कौन सा होता है, 2n+1 की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाए वो हो गया ऑड नंबर, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इवन ऑड का डिफरेंस समझ लिया। अब देखो प्राइम नंबर होता क्या है, जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, जितने भी नेचुरल नंबर्स, उनके फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो हम जैसे कोई भी नंबर लिया, मैंने लिया नंबर 6, इसके फैक्टर्स कौन से होंगे, इस नंबर को हमने तोड़ा इससे छोटे नंबर्स में या सेम इसी में, जो नंबर्स इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 1 × 6 = 1 × 2 × 3 है ना, तो 6 को 6 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इसके फैक्टर्स कहलाते हैं, है ना, इसको फैक्टर कर दिया, फैक्टर्स कहलाते हैं ना। जैसे 8 बोला, तो 8 के फैक्टर कौन से हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, इसके फैक्टर्स। 18 ले लिया मैंने, 18, तो 18 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 18 कर सकता है, 12 नहीं कर सकता, 9 कर सकता है, 6 कर सकता है, 3 कर सकता है, 2 कर सकता है, 1, तो ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होंगे, एक या फिर वो नंबर इटसेल्फ, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब जैसे एक नंबर लिया मैंने 17, तो 17 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 और 17, इसके अलावा कोई और नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता ना, तो बस ये प्राइम नंबर कहलाएगा। ले लिया लेट सपोज मैंने 18, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 6, 9, 18, कोई नंबर हो गए ना जो इसको डिवाइड कर सक रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। प्राइम तो प्राइम होता है, तो प्राइम नंबर वो होता है जिसको केवल दो ही नंबर डिवाइड कर पाए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो हो गया प्राइम नंबर। इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर्स दैट हैज एटलीस्ट वन डिविजर डिफरेंट फ्रॉम इटसेल्फ एंड यूनिटी। जैसे 4 है, तो इसके डिविजर 1 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 भी तो है, खुद के और 1 के अलावा और भी हो जो इसको डिवाइड कर दे। उसी तरह से रियल नंबर क्या होते हैं, ऑल नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके उनको रियल नंबर बोलते हैं। एक नंबर लाइन होती है, यहाँ पे होता है 0, इधर होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, इधर होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स, तो यहाँ पे लिखा 1, 2, 3 ऐसे करके, -1, -2, -3 ऐसे करके लिख दिया, तो ये कोई नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हमने रिप्रेजेंट किए, 1.1, 1.13 है ना, 2.87 जितने भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, वो सब कहलाते हैं रियल नंबर्स। ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब। आगे बढ़ते हैं, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जैसे कि एक नंबर लिखा मैंने 4/5, ये रैशनल नंबर है। साथ में ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड पी और क्यू शुड बी एन इंटीजर।
है ना। तो ये डेफिनेशन है, इसको ध्यान में रखना है। एनी नंबर रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट अ जीरो, हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। बहुत बढ़िया, जीरो भी रैशनल नंबर है। कैसे? देखो जीरो को कैसे लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन पी बाई क्यू की फॉर्म में, है ना। अब देखो पी जो है वो इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है। क्यों? पी की वैल्यू है जीरो और क्यू की वैल्यू है वन, तो ये सब किसके पार्ट है? इंटीजर के पार्ट है। बस अपने हो गए रैशनल नंबर। सो एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। 4/7 ये फ्रैक्शन है ना, तो ये रैशनल नंबर भी है। देखो ये डेफिनेशंस आपको लग रही होंगी क्या हो रहा है, थोड़ा सा दो तीन बार इनको रिवाइज करेंगे ना तो हमारे दिमाग में बैठने लगेंगी। करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ये डायरेक्टली लिख देते हैं इट इज अ रैशनल नंबर, तो हम हमारा दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई ये क्या पूछ लिया इसने। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ो। अगला इरेशनल नंबर, जिन नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे अंडर रूट टू है। अब अंडर रूट टू को लिखा अपन ने अंडर रूट टू वन, लेकिन अंडर रूट जो टू है वो इंटीजर तो नहीं है, मतलब पी इज नॉट एन इंटीजर। क्यों? इंटीजर तो वो होता है ना 1, 2, 3, 4, 5 पूरा जो चले। अंडर रूट टू की वैल्यू है 1.414, है ना, तो वो हो गया इरेशनल नंबर। बिल्कुल एकदम सरल डेफिनेशन। उसके बाद में फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसको हम न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, जैसे 2/5 है वो फ्रैक्शन हो गया। सो सारे रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, जैसे 2 है वो भी फ्रैक्शन है। कैसे? 2/1 की फॉर्म में लिखा उसको, है ना। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, ये भी देख लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं डेसिमल नंबर। अब देखो जैसे मैंने लिखा 2/5 लिखा, तो इसको मैं 0.4 भी लिख सकता हूं, तो ये हो गया डेसिमल नंबर। पॉइंट लगा के लिखते हैं ना अपन, वो डेसिमल नंबर हो गया। तो फ्रैक्शन डेसिमल एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ये सारी राम कहानी करी अपन ने, क्या फायदा था इसका? थोड़े से क्वेश्चंस को करने की और समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या इसके अंदर। जैसे एक दिया कि राइट अ फ्रैक्शन हूज न्यूमरेटर इज दिस, जो 2 की पावर 2 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर इज 3 की पावर 2 माइनस 1, कैसे लिखेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं सॉल्व। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं अपन? न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं अंश, हिंदी में बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, ठीक। और नीचे आ गया डिनोमिनेटर, ठीक। अच्छा यहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या दी हुई है? न्यूमरेटर की वैल्यू इज इक्वल टू 2 की पावर 2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या दिया हुआ है? डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 की पावर 2 माइनस 1। तो देखो 2 की पावर 2 क्या है? 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और डिनोमिनेटर 3 की पावर 2 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? फ्रैक्शन क्या हो गया? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो न्यूमरेटर कितना था? 5, और डिनोमिनेटर था 8। तो ऐसे करके लिख दिया अपन ने फ्रैक्शन, हो गया अपना आंसर। बस ऐसे ही करना है ना, सिंपल पूछेगा। इसलिए अपन ये सब अपन अभी तक पढ़ रहे थे, तो सारी डेफिनेशंस को एक छोटे से पेज पे लिख लेना, उसको 2-3 दिन तक बार बार रिवाइज करना, याद हो जाएंगी, बहुत सरल है। आगे बढ़ो। जैसे 2.73 है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सीधी सी बात है, डेसिमल नंबर इज 2.73। अब देखो 2.73 को हम 2.73 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, बट 2.73 इज नॉट एन इंटीजर। इसको इंटीजर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? 2727.3 डिवाइडेड बाय 10, 273 डिवाइडेड बाय 100। बस हो गया फ्रैक्शन, इसको बोल दिया हमने आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या बोलता है? आफ्टर डूइंग 3/5 ऑफ बायोलॉजी होमवर्क ऑन मंडे नाइट, संजय डिड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग होमवर्क ऑन ट्यूसडे नाइट। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल होमवर्क वुड संजय हैव टू डू ऑन वेडनेसडे नाइट टू कंप्लीट द बायोलॉजी असाइनमेंट। अब देखो ये फ्रैक्शन ही है ना, तो फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट के क्वेश्चंस को हम इनमें इसमें कैसे कर सकते हैं? वर्ड प्रॉब्लम के रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम दे दी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह से इनका यूज होता है। तो देखो टोटल बायोलॉजी वर्क असाइंड कितना है?
वन, क्योंकि भाई पूरा एक यूनिट उन्होंने दिया। ओके, मंडे नाइट संजय डिड 3/5 ऑफ द होमवर्क, है ना, 3/5 ऑफ द होमवर्क कर दिया, बहुत बढ़िया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग होमवर्क कितना था बताओ? रिमेनिंग होमवर्क था 1 - 3/5 = 5 - 3/5 = 2/5। ये है रिमेनिंग। अब क्या बोलता है, संजय डिड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग होमवर्क ऑन ट्यूजडे नाइट, वर्क डन ऑन ट्यूजडे नाइट, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। तो देखो रिमेनिंग होमवर्क कितना था, 2/5, उसका 1/3 किया, तो किसी का भी 1/3 कैसे निकालते हैं, 1/3 × 2/5, तो ये हो गया 2/15 times। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि कितना होमवर्क बचा हुआ है उसका, कितना और उसको करना है ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल होमवर्क ही हैज टू डू ऑन वेडनेसडे नाइट टू कंप्लीट द वर्क। तो लेफ्ट आउट होमवर्क कैसे निकालेंगे अपन, टोटल माइनस डन, है ना, तो लेफ्ट आउट होमवर्क क्या होगा, ये क्या होगा, टोटल माइनस कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, तो टोटल कितना है 1, कंप्लीटेड कितना है 3/5 + 2/15, यही है ना, देख लेते हैं, 1 - 9/15 + 2/15 = 1 - 11/15, ये हो गया 4/15। तो ये हो गया रिमेनिंग होमवर्क आंसर 4/15। 4/15 मतलब ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, 4/15 इसका आंसर है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, है ना। तो देखो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा आंसर तो सही आ जाएगा लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, या फिर अगर मैं यहाँ पे कहीं, अच्छा एक्चुअली ये मिसप्रिंट था, तो ये अगर 4/15 हो, 4/15 तो ऑप्शन सी आंसर है ना। तो बिल्कुल सिंपल लेक्चर था, पहला लेक्चर था, बिल्कुल आसानी से करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब धीरे धीरे अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर पेस को बढ़ाएंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, है ना, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। द थिंग इज दैट वी हैव टू टेक थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे, हमें एटीट्यूड बिल्कुल हाई रखना है। लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट्स टू इट। ठीक है, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।